मैं आप सब जी दिलो वधाई दिना हां देश की आजादी चलिया वक् वक् लहर सरदार करतार सिंह सराभा मदन लाल ढींगरा लाला लाजपत राय जी जवान सिंह कालेपाणी शहीद ऊधम सिंह होर महान आजादी घराटिया वालों समय समय से आरंभे गए संघर्षा कारण की अज अस आजाद मुल्क के वासी हाँ। सानू सब नू माण है कि देश के आजादी संघर्ष दौरान पंजाबियों ने सब तो ज्यादा कुर्बानियां दित्तियां हन। मैं इन्हां समूह कुर्बानियां के अपना सिर झुकांदा हाँ। साडी सरकार शहीदां दे पाए पूर्णियां ते चल रही है, शहीदां दे सुपनियां नू पूरा करदियां मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी दी अगवाई विच अज पंजाब जिथे बिजली खेतीबाड़ी सिक्ख्या कानून ते व्यवस्था नागरिक सेवावां बुनियादी ढांचे शहरी विकास पिंडां दे सर्वपक्षी विकास सेहत निवेश पक्षी माहौल सिरजण ते उद्योगां दे खेतर विच नामना खट रहा है, उथे सरकार भ्रिष्टाचार नूं वी नत्थ पा रही है। सरकार ने पंचायती जमीनां तों नजायज कब्जे छुड़ाउण दी मुहिम आरंभी हुई है। पंजाब सरकार ने अपने लगभग 5 महीने के कार्यकाल दौरान अनेक लोक पक्षी पहलकदमियां कीतियां हन। साडी सरकार ने एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू करके सरकारी पैसे नूं बचाया है। यह पैसा लोक हित दे कम्मां लई वरत्या जाएगा। पिछले लंबे समय तो तकरीबन पंजाब के लोग जिहड़ियां इह वध पेंशन लै रहे सन पुराने साबका विधायक उन्हां तों समय समय से आवाज भी उठाते रहे। पंजाब सरकार वालों शहीद भगत सिंह डॉक्टर बी आर अंबेदकर जी दी तस्वीर सरकारी दफ्तर लाई गई हैं ता जो इन्हां महान शख्सियतों तो सेध ली जा सके। सरकार ने भ्रिष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन की शुरुआत करके भ्रिष्टाचार को जड़ों खत्म करने की दिशा में वड्डी पहलकदमी की है। इस सहूलत राही आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है जिसकी जांच करके सरकार भ्रिष्टाचार संबंधित दोषी विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। साडी सरकार ने भ्रिष्टाचार के मामले में किसी सियासतदान या अधिकारी नाल भी लिहाज नहीं किया। मान सरकार ने सूबे के लोगों को सहूलत प्रदान करदियां सेवा केंद्रों में 122 नवीं सेवावां की शुरुआत की है। सूबे के नागरिकों को यह सारी सेवावां इको शर्त निर्धारित समय अंदर मुहैया करवाई जा रही हैं। साडी सरकार ने सेवावां मुहैया करवाउण दी प्रक्रिया विच होर सुधार करदिआं सेवा केंद्रां दे काम दे घंटे वधा दित्ते हन। हुण इह केंद्र शनिवार अते ऐतवार नूं वी सेवावां प्रदान कर रहे हन। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान दी सरकार कानून अते व्यवस्था दे मामलिआं प्रति बेहद संजीदा है। सरकार ने गैंगस्टरां नूं काबू करन लई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दा गठन कीता है। असीं पिछले कुछ महीनों विच वड्डी गिणती विच गैंगस्टर काबू कीते हन अते कई गैंगस्टर पुलिस मुकाबलिआं दौरान मारे भी गए हन। पंजाब सरकार ने नशे विरुद्ध जंग का ऐलान किया है जिथे नशे के काले कारोबार के दोषियों को काबू करके सख्त सजावां दित्तियां जाणगियां उथे ही नशे त्यागण वाले नौजवानों को मुख्य धारा से लियाउण लई विशेष उपराले भी किए जा रहे हैं। सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों को होर वधिया बनाउण दे मकसद नाल स्कूल एमीनेंस विच बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस नाल स्कूलों में पढ़ाई का माहौल
विद्यार्थियों के सर्वपक्षी विकास नाल संबंधित अते होर जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। साडी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों वालों आप खुद रेट ढंग फीसा वधाउण दे मामले नूं गंभीरता नाल लैंदिआं प्राइवेट स्कूलों दीआं फीसा नूं नियमित किया है। इस संबंधी प्राइवेट स्कूलों नूं एक प्रणाली तहत अपने फीसा नूं निर्धारित करना होगा जिसकी प्रवानगी जिला प्रशासन तों लैनी होगी। सरकार वालों सूबे के नौजवानों हुनर सिखलाई देकर रोजगार के योग बनाने लई 19 नवीं सरकारी उद्योगिक सिखलाई संस्थावां स्थापित की जा रही हैं। नौजवान सिखलाई प्राप्त करके स्वयं रोजगार भी शुरू करने काबिल होंगे। मैनूं इह दस्सदिआं खुशी हो रही है कि साडी सरकार वालों अज आजादी दिवस की 75वीं वरेगंढ दे मौके 75 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं। यह क्लीनिक अज तों आरंभ हो जाणगे। इन्हां दी स्थापना नाल सूबे दे आम लोकां नूं सेहत सहूलतां उन्हां दे घर दे नेड़े उपलब्ध होणगीआं। सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों लई 25,000 घर बनाने की तजवीज बनाई है ता जो उन्होंने सेहत लई छत मुहैया कराई जा सके। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार ने मूंगफली नूं तीजी फसल वजों उत्साहित किया है जो 1775 रुपए प्रति क्विंटल के घटो घट समर्थन मुल से खरीदी जा रही है। सूबा सरकार के जतना के किसानों की मेहनत सदका गर्मियों की मूंगी अधीन रकबा 54,363 एकड़ तो वध के 1,28,491 एकड़ हो गया है जो कि टुकड़े तो भी वध है। पंजाब सरकार वालों धरती हेठले पानी के पद्धर नूं घटन तो रोकण लई झोने की सीधी बिजाई लई 1,500 रुपए प्रति एकड़ सबसिडी दिती जा रही है। वातावरण सुधार अते कुदरती स्रोतों नूं बचाउण लई सूबे के हर नागरिक नूं सुहिरद होना अते समय की लोड़ है। इस मकसद लई सरकार दे नाल नाल किसान वीरां नूं भी अपना विशेष योगदान पाउणा होवेगा ते जिहड़ी आपां सीधी बिजाई करदे आं उहदे नाल आपणे पाणी दी भी बचत ते झोने दे झाड़ ते भी बहुत फर्क पैंदा। 2-3 क्विंटल झोने दा झाड़ भी वध निकलदा है। पंजाब सरकार ते दिशा निर्देशां नाल मिल्कफैड वालों अपने दुध उत्पादकां दे लई किट्टां लई दुध दे खरीद मुल विच क्रमवार 20 रुपए प्रति किलो फैट दा वाधा कीता गया है। लुधियाणा फिरोजपुर ते जलंधर दीआं वेरका डेयरियां विखे ते गुरवासू लुधियाणा विखे नवे दुध प्रोसैसिंग प्लांट स्थापित कीते जा रहे हन अते समर्था विच वाधा कीता जा रहा है। कणीए के बागर करतारपुर विखे वेरका कैटल फीड प्लांट 50 एनपीपीडी बाईपास प्रोटीन प्लांट लगाया जा रहा है। सूबा सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अधीन रजिस्टर किए गए हरेक लाभपात्री आटे की होम डिलीवरी की सहूलत देने जा रही है। सूबे के 1,58,00,000 लाभपात्री इस स्कीम का लाभ लेंगे। पंजाब सरकार ने ड्यूटी दौरान शहीदी प्राप्त करने वाले सैनिकों के सम्मान वजों पंजाब के शहीद जवानों के परिवारों को दिता जाने वाला माण भत्ता बढ़ा के 1,00,00,000 रुपए कर दिता है। इस सहायता देश सेवा दौरान अपनी जान देने वाले सैनिकों के आश्रितों को दी जा रही है। पंजाब सरकार ने नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाने लई सूबे के वख-वख विभागों बोर्डों कारपोरेशन ते एजेंसियों में खाली पईआं 26,000 असामियों लई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजाब सरकार 19 अगस्त 2022 तो पंजाब भर में पेंडू खेड मेले करवा जा रही है। इस नाल नौजवानों को अपनी खेड प्रतिभा दिखाउण अगे वधण का मौका मिलेगा। पंजाब में उद्योग लाने के उद्देश नाल निवेश करने वाले लोगों को सारिया प्रवानगियां इको प्रणाली राही मुहैया करवाउण लई सिंगल विंडो निर्विघन निवेश सहूलत प्रदान की गई है। इस प्रणाली का मकसद निवेश करने वाले लोगों को किसी किस्म की खज्जल खुआरी तो मुक्त करना है। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया करवाउण दा अपना चुनावी वादा पूरा करदिआं 1 जुलाई 2022 तो घरेलू बिजली खपतकारां नूं प्रति बिलिंग साइकिल 600 यूनिट बिजली मुफ्त देनी शुरू कर दित्ती है। इस नाल सूबे दे लखां लोकां नूं लाभ पहुंच रहा है। सितंबर महीने विच पंजाब वासियां नूं बिजली दा जीओ बिल आवेगा। इन्ना ही नहीं पंजाब सरकार ने लोकां दे 31 दिसंबर 2021 दे सारे बकाया बिजली बिलां नूं माफ कर दित्ता है अते खपतकारां दे बिजली कनैक्शन कट्टे गए सन उन्होंने बिजली कनैक्शन मुड़ तो बहाल किया जा रहा है। साडी सरकार ने किसान वीरां लई एक समय
4750 रुपए तो घटा के 2500 रुपए प्रति हार्स पावर की गई है। हुण किसान भी सस्ते भा से अपनी मोटरां दा लोड वधा सकते हैं। पंजाब सरकार दे विशेष यत्नां सदका पंजाब दीआं सरकारी बसां पंजाब तों सिद्धियां दिल्ली एयरपोर्ट लई जाणियां शुरू हो गईआं हन। इस दा किराया प्राइवेट बसां नालों 50% तों भी घट होवेगा। सूबा सरकार दे इस फैसले नाल ट्रांसपोर्ट दे कुझ रसूख वाले लोकां दा गलबा तोड़ दिया। सूबे दे लोकां नूं सस्ते रेट ते दिल्ली एयरपोर्ट विखे जाण आउण दी सहूलत प्रदान की गई है। पंजाब सरकार ने एक होर सहूलत दिंदिआं सूबे दे नागरिकां लई ई लर्निंग लाइसेंस की सहूलत मुहैया करवाई है। इस प्रक्रिया तहत सूबे दे योग नागरिक बिना किसी खज्जल खुआरी तो अपना लर्निंग लाइसेंस घर बैठे ही हासिल कर सकणगे। पंजाब सरकार ने सूबे दे मोटर व्हीकल डीलरां नूं नवे वाहनों की मौके से रजिस्ट्रेशन प्रवानगी देने वाली अथॉरिटी वजो अधिकार किया है। यह प्रणाली का मकसद भी लोगों को खज्जल खुआरी तो निजात दिलाना है। मौजूदा पंजाब सरकार होवे चोण तो लैके हुण तक लगभग 5 महीने के कार्यकाल दौरान लगातार सरकारी ते पंचायती जमीनों तो नजायज कब्जे छुड़वाने लई काम कर रही है। हुण तक हजारां एकड़ जमीन नजायज कब्जा तो मुक्त करवाई गई है अते यह प्रक्रिया हाली भी जारी है। साडी सरकार सरकारी प्राप्ति तो हर तरह का नजायज कब्जा नहीं रहन देवेगी। साडी सरकार ने सूबा वासियां दी सहूलत लई वड्डा फैसला लिया। म्यूनसीपल कमिश्नरां ते वधीक डिप्टी कमिश्नरां नूं सीएलयू अते कलोनियां दी लेआउट की प्रवानगी लई समर्थ अधिकारी वजो नामजद किया है तां जो आम लोगों के काम जिला पद्धर ते ही निपटाए जा सकण। पंजाब सरकार ने पिंडां दे लोकां ਨੂੰ ਵਾਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸੰਜੀਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 50,000 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਤਰਵੈਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਈ ਸਟੈਂਪ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਈ ਸਟੈਂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਕਸਬੇ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਨੀਤੀ ਤਰਕ ਸਖਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 25 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ
अकादमिक सैशन 1 अप्रैल 2023 तो शुरू किया जाएगा। जिला संगरूर अब 4 आम आदमी क्लीनिक लोगों समर्पित किए जा रहे हैं। 2 क्लीनिक संगरूर शहर विखे, 1 क्लीनिक भवानीगढ़, 1 क्लीनिक धूरी विखे बनाया गया है। इस तू अलावा 7 और आम आदमी क्लीनिक छेती शुरू कर दिए जाएंगे। इसे तरह संगरूर के मौजूदा सिविल अस्पताल 220 बिस्तर तो अपग्रेड करके 360 बिस्तर का किया जाएगा। संगरूर जिले के पिंड भटार कला विखे एशिया का सब तो वड्डा कंपरसेंट बायो गैस प्लांट शुरू हो गया है। इस प्लांट विचों सीबीजी का व्यापारिक उत्पादन शुरू हो गया है, जिसकी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड नूं सप्लाई की जा रही है। भवानीगढ़ विखे 6,75,00,000 रुपए की लागत नाल फर्द केंद्र समेत अति आधुनिक तहसील दफ्तर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका 50% तो वध काम पूरा हो चुका है। जिले के किसानों नूं झोने कणक के रवायती चक्कर चो कढ के प्याजां की खेती वाल उत्साहित करने लई सरकार वालों पिंड खेड़ी विखे सेंटर फार एक्सीलेंस फार ओनियन बनाया जाएगा। पंजाब मंडी बोर्ड वालों वित्तीय साल 2022-23 दौरान लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत के ओलिके प्रोग्राम तहत 11,70,00,000 रुपए की लागत नाल शेरपुर धूरी खनौरी मूणक दियां 77.87 किलोमीटर नवीं सड़कों की मरम्मत की जाएगी। लोक निर्माण विभाग वालों विधानसभा हलका संगरूर सुना टिड़बा लहरा विखे 11.98 करोड़ रुपए की लागत नाल 86.64 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। साडी सरकार हर जिले के विकास कार्यों वाल विशेष ध्यान दे रही है। मैं तुहानू विश्वास दिवाउना हां कि असीं शहीदां दे दिखाए रस्ते ते चल के इसे तरह पंजाब अते देश की सेवा करते रहांगे। अखीर विच मैं भारत के सारे महान शहीदां नूं कोटन कोट प्रणाम करता होया पंजाब अते देश की खुशहाली ते तरक्की की कामना करता हां। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। सामने भी लड़का किया फिर वीडियो के साथ ही
ਸਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਨਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਈ ਹੈ।